तीन जनवरी है, देश के दो महान विभूतियों का जन्मदिन, जयपाल सिंह मुंडा और भाई फुले। इसी पर चर्चा के लिए, इसी विषय पर कैसे उनको याद किया जाए, क्या संदेश है उनका, मैं जानकू साहित्यकार हरिराम सिंह मीना जी को मैंने आग्रह किया था कि आ जाएं, बहुत दिन हो गया अंबेडकर नामा पर बोले। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। मीना साहब, स्वागत है अंबेडकर नामा में। जी नमस्कार, धन्यवाद, आप मुझे शामिल कर रहे हैं इस चर्चा में। जी, अब सीधा फ्लोर आपके पास होगा, जयपाल सिंह मुंडा साहब के बारे में बताइए और उनका रेलेवेंस, उनके ऊपर बहुत कम काम हुआ है, जितना काम होना चाहिए था उतना काम हो नहीं पाया है और लोगों के बीच जानकारी भी कम है। मैंने अभी दो तीन पहली तारीख को मैंने देखा था कि खैरसामा में एक आंदोलन हुआ था झारखंड राज्य को बनाने को लेकर, और वहां पे हजारों आदिवासियों को मार दिया गया था। उस आंदोलन के संगठनकर्ता जयपाल सिंह मुंडा साहब, ये आजाद भारत का पहला नरसंहार था पुलिस द्वारा जलियांवाला बाग की तरफ। बताएं सर कैसे। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं जयपाल सिंह मुंडा को बहुत श्रद्धा के साथ मैं याद करता हूं, क्योंकि उनके जीवन के और व्यक्तित्व के कई पक्ष हैं। आज उनका जन्मदिन है और भारतीय लोकतंत्र आज संकट के जिस दौर से गुजर रहा है, जिस प्रकार मूल अधिकारों के साथ में एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है गलत, किस प्रकार से एक दूसरे रास्ते से, पिछवाड़े से संविधान को एक साइड में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से इतिहास, संस्कृति, भारतीय लोकतंत्र की अवधारणाओं को एक विकृत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, इन सारे संदर्भों को दिलो दिमाग में रखते हुए मैं सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा जी और भारतीय संविधान और तत्जन्य भारतीय लोकतंत्र, इस पर ही अपनी बात को फोकस रखना चाहूंगा। वैसे जयपाल सिंह मुंडा का व्यक्तित्व बहुआयामी था, वो हॉकी के नामी खिलाड़ी थे, हॉकी का पहला वर्ल्ड कप मेडल उनकी कप्तानी में भारत को मिला था और उस हॉकी में आधे से ज्यादा अंग्रेज खिलाड़ी थे, उसके बाद भी अंग्रेजी हुकूमत ने उनको कप्तानी का जिम्मा सौंपा था। वो आईसीएस अफसर थे, वे बीकानेर हिजाइनेस, बीकानेर महाराजा के यहां भी उन्होंने अपना काम करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए एक प्रभावशाली संगठन करता थे, वो एक विद्वान और एक जो एक ओपन माइंडेड इंटेलेक्चुअल भी उनको कहा जा सकता है। इतने सारे, और बाद में वो सक्रिय राजनीति में भी आए। जयपाल सिंह मुंडा के इतने व्यक्तित्व के इतने आयाम होने के बावजूद मुझे जो उनमें सबसे बड़ा उनका स्वरूप दिखाई देता है वह है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप और आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए उनका गंभीर सोच और उनका उनकी गंभीर वैचारिकी। नए भारत का नया संविधान जब आकार ले रहा था, संविधान निर्मात्री सभा में भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सरोजनी नायडू जैसे दिग्गज नेता जनतंत्र, मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अपने विचार रख चुके थे तब आदिवासी समाज के उस मुखर सदस्य जयपाल सिंह मुंडा की बारी आई और उन्होंने अपना वक्तव्य की शुरुआत कुछ इस तरह की। मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए यहां खड़ा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। उनके वक्तव्य के एक एक वाक्य, एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। आज मैं पुनः याद दिला रहा हूं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं लोकतंत्र के और संविधान के साथ ट्रीटमेंट के। वो आदिवासियों के लिए कहते हैं, मैं उन लोगों की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो भारत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं। क्योंकि हमें यह जहन में रखना चाहिए कि आजादी की लड़ाई जिसे हम सामान्यतः 1857 से शुरुआत मानते, 1947 में खात्मा मान लेते, 90 वर्ष अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, आज के वेस्ट बंगाल बेल्ट में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1757 में, प्लासी की लड़ाई होती है, और एक दशक भी नहीं गुजरा कि 1763-64 में भूमिज विद्रोह, जिसे चुआड़ विद्रोह भी कहते हैं, आदिवासियों का लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद में आदिवासी अंचल कोई भी ऐसा नहीं था और कोई भी दशक ऐसा नहीं था जहां पर आदिवासियों ने अंग्रेजों और उनके पिछलग्गू जो रियासती सत्ता थी उसके खिलाफ प्रतिरोध, संघर्ष और बलिदान का इतिहास नहीं रचा हो। वो सब कुछ इतिहास में दर्ज नहीं है, इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने उन्हें आजादी के अनजान लड़ाके भी कहा। फिर वो तीसरा शब्द युग में इस्तेमाल करते हैं, मूल निवासी। वे भारत के मूल निवासी हैं। इट मींस कि उनके विचार में, उनके मत में जो उनसे भिन्न लोग हैं वे यहाँ के निवासी अवश्य हैं, लेकिन वे मूल निवासी होने का दावा नहीं कर सकते। उनका आगे कहना है कि जिनको, उन आदिवासियों को बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की किसी भी पूरी की पूरी कौम को अंग्रेजों ने कुचलने के लिए अगर कोई काला कानून बनाया था तो वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, जिसमें पूरे के पूरे आदिवासी समुदाय को, एक नहीं सैकड़ों समुदायों को उसकी सूची में डाल करके और उन पर भिन्न भिन्न प्रकार के पाबंदियां लगा दी गई थी। ऐसा किसी और कमेटी के साथ में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, व्यक्तियों के साथ में हुआ। अगर कमेटी की बात करें तो केवल ट्राइबल कमेटी थी जिनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में उन्होंने सूचीबद्ध किया, और उनके सारे के सारे जो प्राकृतिक, नागरिक, मौलिक, राजनीतिक अधिकार उनको छीन लिया था। जयपाल सिंह मुंडा उनकी तरफ से बोलते हुए कहते हैं, पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब कहा था, उनको वाइल्ड सेवेज कहा था, जंगली बर्बर। उनकी तरफ से बोलने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि इस देश में इस रूपों में जाने जाते रहे आदिवासी। हम आदिवासियों में जाति, रंग, अमीरी, गरीबी या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। ये चौथा गुण बता रहे हैं वो आदिवासियों का, कि आदिवासियों में समानता का भाव है, किसी भी कारण से भेदभाव नहीं है। वे कहते हैं, आपको हमसे लोकतंत्र सीखना चाहिए, हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। अगला गुण बताते हैं पांचवा, कि लोकतंत्र का जो आधार रूप है गणतंत्र, ये गणतंत्र प्राचीन काल से आदिवासी समाज में व्यवहित होते आए हैं। आपका लोकतंत्र तो आधुनिक लोकतंत्र अब इस संविधान के साथ बनने जा रहा है। हम तो लोकतंत्र और गणतंत्र को हमारी जीन्स में, हमारी नस नस में, हमारी रग रग में, हमारे रक्त के कण कण में पहले से समाये हुए हैं, इसलिए आप हमें क्या लोकतंत्र से कहेंगे। और जब ये बोल रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, ये वो वक्त था जब संविधान सभा में देश के संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। दलित जातियों का मुद्दा खासकर गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के पूना फैक्ट के बाद इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था दलित मुद्दा, और बाद में
अंबेडकर ने दलितों की बेहतरी के लिए किस तरह संविधान में जगह दी और जयपाल सिंह मुंडा के वक्तव्य के साथ उसे पहली भी उनसे चर्चाएं होती रही थी, उसमें आदिवासियों को भी दलितों के साथ रिजर्वेशन के विभिन्न जो सुरक्षात्मक संरक्षणात्मक और विकासात्मक जो संविधान है की प्रावधान है वो उसमें रखे गए हैं और उसमें एक स्पेस अदर ओबीसी अदर जो बैकवर्ड क्लास का क्लासेज हैं उनके लिए भी रखा गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो भी वंचित दलित दमित शोषित मानवता है उसके लिए जितने प्रावधान रखे थे उनमें खास करके आदिवासियों की जब बात आती है तो जयपाल सिंह मुंडा का के स्वर जो संविधान सभा में गूंजे थे उनको भी अहमियत दी जानी चाहिए। बहुत कम लोगों को ये पता है कि जयपाल सिंह मुंडा की भूमिका संविधान निर्मात्री सभा में और हमारे आधुनिक संविधान में कितनी रही, जिसे हमें जानना चाहिए। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में काफी धीरे धीरे किताबें आ रही है और उनके दिए हुए जो वक्तव्य है संविधान सभा में वो भी उनकी स्पीचेज भी लोगों के दिलो दिमाग में या उनके ध्यान में लाई जा रही है। जो कुछ जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा, जो अभी मैंने चार पांच बातें कही थी आदिवासियों को लेकर के, उसका एक पक्ष मूल निवासी की बात जब आती है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 5 जनवरी 2011 का एक निर्णय है नंदाबाई महाराष्ट्र का, जिसको कैलाश बनाम यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र स्टेट भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आदिवासी जो कि संभवतया भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, अब देश की कुल आबादी के 8% बचे हैं, ये 2011 की बात है, वे एक तरफ गरीबी निरक्षरता बेरोजगारी बीमारियों भूमिहीनता से ग्रस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या जो कि विभिन्न, ये गौर करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या जो कि विभिन्न अप्रवासी जातियों की वंशज हैं उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करती है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके वंशजों के साथ जो यहाँ बाहर से आए उनके वंशज कितना अन्याय किए जा रहे हैं। जब जनतंत्र लोकतंत्र पर विचार मंथन चल रहा था संविधान सभा में, तब जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था यहां जनतंत्र का जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा, आप सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। पहले जयपाल सिंह मुंडा ऐतिहासिक संदर्भ दे रहे हैं, अब वो वर्तमान संदर्भ दे रहे हैं, आगे कहते हैं आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, दोबारा जोर दे रहे हैं उसी वाक्य पे। पंडित नेहरू ने अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा है, ये पंडित नेहरू को कोट कर रहे हैं, उन्हीं के सामने जयपाल सिंह मुंडा कोट, आदिवासियों के बहुत सारे गणतांत्रिक समाज राज्य थे और उनमें से कई बहुत बड़े क्षेत्र पर स्थापित थे, अनकोट, आदिवासियों के वे गणतांत्रिक समाज अभी भी हैं जो भारतीय आजादी की लड़ाई में भरावन दस्ता रहे हैं। स्पष्ट है जो जयपाल सिंह मुंडा कह रहे हैं उनको पढ़ करके उनकी बात को सुन करके कि गणतंत्र प्रणाली आदिवासी समाज की देन है जिससे आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। प्राचीन काल से अब तक किसी न किसी रूप में चली आ रही आदिम गणतंत्र प्रणाली पर अगर हम बात करें तो आज जो भी भारतीय लोकतंत्र है या देश दुनिया का लोकतंत्र है वह बहुमत पर आधारित है। और ध्यान देने वाली बात है कि लोकतंत्र में यह जो बहुमत का सिद्धांत है इसमें यह भी हुआ है, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 32% वोट जिस पार्टी या दलों के संगठन को मिले उनको 2/3 majority, क्लियर मेजोरिटी तो है ही, 2/3 majority मिलने की संभावना भी रहती है। इसका साफ मतलब है कि बहुमत का मतलब 50% से ज्यादा भी नहीं होता, आधा से ज्यादा भी नहीं होता, आधा से कम भी आप ले आएंगे तो भी आपको मेजोरिटी मिल जाएगी।
जहां तक मेरी जानकारी है, राजीव गांधी जी के वक्त में केवल 50% को क्रॉस किया था कांग्रेस के पक्ष में, अन्यथा कभी भी 50% से ज्यादा किसी पार्टी या दल संगठन को वोट नहीं मिला, पोलिंग उनके पक्ष में इतना परसेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह लोकतंत्र जब अगर 50% से ज्यादा या कहे कि 60% या कहे कि 68% उसके खिलाफ है, लेकिन 32% में वो क्लियर मेजोरिटी ला रहा है और सरकार चला रहती है, ये कैसा लोकतंत्र है? आदिवासी लोकतंत्र की जब आप बात करेंगे तो आदिवासी लोकतंत्र, आदिवासी गणतंत्रात्मक जो प्रणाली रही है उसकी परंपरा में बहुमत की जगह सर्वमत को प्रमुखता दी गई है। वहां यूनैनिमिटी है, यूनैनिमस कंसेंट है, इसलिए वहां जितने लोग जितने गण जन मौजूद हैं उस गणतंत्र से ताल्लुक रखने वाले समुदाय के जितने भी नागरिक मौजूद हैं सभा में या उनके प्रतिनिधि, तो भी सर्वमत से निर्णय लेते हैं और सर्वमत पर आधारित लोकतंत्र ही आदर्श लोकतंत्र कहा जा सकता है। रूस फ्रांस के महान दार्शनिक रूसो जब जनरल विल की बात करते हैं, सामान्य इच्छा की, तो उनका ध्यान भी उधर ही जाता है कि समस्त जन जिस भी राष्ट्र का नागरिक है उन नागरिक गण का या जो मताधिकार रखते हैं, आज एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो वयस्क, उन सभी लोग एक मत होकर के एक कॉमन विल बना के सामान्य इच्छा बना के फिर निर्णय लें, वो आदर्श लोकतंत्र की कैटेगरी में आएगा। इसलिए आज हम जिस भी लोकतंत्र में रह रहे हैं वह आदर्श नहीं है। अगर हमको आदर्श लोकतंत्र की तरफ बढ़ना है तो हमको आदिम समाजों में जो गणतंत्रात्मक परंपरा चली आ रही थी सर्वमत पर आधारित, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत मुश्किल है, असंभव है सर्वमत पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना, लेकिन कम से कम हम उसकी तरफ अग्रसर तो हो सकते हैं। अभी अभी इसी गए जून में, अलग वो दूसरा एक संस्करण है आदर्श लोकतंत्र का, नागालैंड की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक फैसला किया कि अब हम सभी मिलकर के सरकार चलाएंगे। नागालैंड की स्पेशल प्रॉब्लम्स रही है, स्पेशल इश्यूज रहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अभी भी विचाराधीन है। जो लेटेस्ट समझौता हुआ है अभी 2021 में उसकी भी पालना ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए नागालैंड के सभी दलों ने ये फैसला किया कि हम सब एकजुट होकर सरकार चलाएंगे। मतलब आज जो भी रूलिंग पार्टी, और ये मेरा सीधा इशारा है सेंटर की तरफ, कि वो रूलिंग पार्टी अगर ये कहती है कि हम कांग्रेस लेस या कांग्रेस लेस मीन्स अपोजिशन लेस, अगर ट्रेडिशनली बात करें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी रही है अपोजिशन लेस, तो अगर अपोजिशन होगा ही नहीं तो फिर बाद में किस तरह का लोकतंत्र होगा? क्योंकि वहां तो आपके आपसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो आज के लोकतंत्र में अपोजिशन होना जरूरी है, क्योंकि सर्वमत की पर आधारित गणतंत्र की स्थापना तो आप कर नहीं सकते। तो बहुमत पर आधारित कम से कम जो सत्ता को के पक्ष में मतदान नहीं किया उन लोगों के प्रतिनिधि आपसे विधानमंडलों में या लोकसभा में राज्यसभा में सवाल तो पूछ सके कम से कम, ताकि आप एक चेक एंड बैलेंस वाली बात है, आपको कोई टोक सके, गलत कर रहे हैं तो रोक सके, सत्ता के मद में आप उल्टे सीधे फैसले ना करें जैसे कि हम सबको विदित है कि किसान विरोधी 3 कानून लाए गए, उनके लिए किसानों को लंबा आंदोलन करना पड़ा। अगर उस किसान आंदोलन कानूनों पर संसद में अच्छी तरह से चर्चा हो जाती थी, ये नौबत नहीं आती। तो इसलिए सत्ताधारी दल या व्यक्ति समूह पर अंकुश लगाने की व्यवस्थाएं संविधान में हैं, और उसमें अपोजिशन, पॉलिटिकल अपोजिशन एक बहुत बड़ा एक 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 एक, एक सिद्धांत हमारे सामने है। इसलिए नागालैंड जो तय कर रहा है वो ये कर रहा है कि नागालैंड स्पेशल प्रॉब्लम, इसलिए नागालैंड के सभी राजनीतिक दल
एकजुट होकर के और अपने इश्यूज को सेटल कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे दबाव डाले या उसको सहमत कराए। उस रूप में वह लोकतंत्र का एक दृष्टांत हमें आधुनिक लोकतंत्रों में मिल रहा है। तो जब इस गणित और दूसरा और एक पक्ष है कि लोकतंत्र को हम सामान्यतः राजनैतिक लोकतंत्र के रूप में लिए जा रहे हैं कि जो कुछ है पॉलिटिकल पार्टीज होगा, चुनाव होगा, चुनाव के आधार पर जिसको ज्यादा मत मिलेगा उनकी सरकार बन जाएगी, चाहे स्टेट्स में है या केंद्र में है, और फिर वो राज चलाएगी। राज चलाने का मतलब है पॉलिटिकली इलेक्टेड है, पॉलिटिकल प्रोसेस से इलेक्टेड है, जो पॉलिटिकल एक सिस्टम बनाया संविधान में उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो सरकारें फैसला तो समग्र रूप से करते, बहुआयामी करते हैं, वो केवल पॉलिटिकल फैसले थोड़ी करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, वो सारे के सारे क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने निर्णय लेते हैं। तो लोकतंत्र को केवल राजनैतिक लोकतंत्र तक सीमित कर देना यह भी एक हमारी बहुत बड़ी एक भूल है, या हम एक बहुत ही एक भ्रांत अवस्था में सोचे जा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र एक जीवन प्रणाली है। आदिम जो गणतंत्रात्मक प्रणालियां हैं उसमें सारे के सारे मसले, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, इवन सामूहिक, समुदाय से रिलेटेड, संपूर्ण समाज से ताल्लुक रखने वाले, भौगोलिक, उनके सांस्कृतिक, उनके ऐतिहासिक, उनके वैचारिक, सारे फैसले इस गणतंत्रात्मक पद्धति से सर्वमति के आधार पर लिए जाते थे। वह मुखिया का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वह एक सुविधा के लिए है, अन्यथा तो वहां रियल सेंस में ऑल आर इक्वल। बाबा साहब अंबेडकर को हम याद करते हैं इस मौके पे, जब वो आखिरी अपने वक्तों में सारे संघ का समाधान करते हुए 25 नवंबर 1949 को 1949 तब तीन चेतावनी देते, उसमें एक चेतावनी यह है कि हमने एक मत, एक वोट, एक व्यक्ति, एक वजन, उसका एक मूल्य, ये तो तय कर दिया पॉलिटिकल, लेकिन ये जब तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नहीं होगा, समानता की अवधारणा व्यवहित नहीं होगी, तब तक इस राजनीतिक लोकतंत्र को भी खतरा होगा। तो ये स्पष्ट है कि जयपाल सिंह मुंडा यही कह रहे हैं, आदिम गणतंत्र भी यही शिक्षा दे रहा है कि अगर आपने समग्रता में समतावादी समाज, जिसकी बात बाबा साहब करते हैं, उसकी स्थापना की तरफ नहीं बढ़े, तो आपका जो एकाकी स्वतंत्रता समानता है पॉलिटिकल, उसको भी अंततः खतरा पैदा हो जाएगा। आज लोकतंत्र का एक और दूसरा रूप हमारे सामने आ रहा है, आर्थिक उन्नति भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। आज का विकास की अवधारणा भी आर्थिक उन्नति तक सीमित है, और वो आर्थिक उन्नति भी केवल और केवल प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर किए जा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा यहां भी संकेत देते हैं कि अगर आप उनका ट्राइबलिज्म के रूप में, हम उनकी फिलॉसफी को जानते हैं, उनके ट्राइबलिज्म में ये है कि विकास आपका हो, आधुनिक विकास, टेक्नोलॉजी का भी वो विरोध नहीं करते, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर अगर आप करेंगे तो फिर ये सारी पृथ्वी और सारी सृष्टि के लिए खतरा पैदा होगा। मनुष्य ही की बात यहां नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो उनको बहुत ज्यादा शंका थी आदिवासियों को लेकर के, वो था कि ये भारत, ये लोकतंत्र का हिस्सा तो बन जाएंगे, लेकिन क्या वो सुरक्षित रहेंगे? क्या उनका उत्थान भी शेष भारतीय समुदाय और तबकों के साथ में हो पाएगा? ये उनको शंका थी, और इसीलिए उन्होंने एक अलग परिकल्पना, उनकी एक अलग आदिवासी भारत की थी, लेकिन बाद में वो आदिवासी महासभा का गठन करते हैं, उसके बाद वो झारखंड तक सीमित हो जाते हैं, और वो झारखंड अलग स्टेट, अलग आदिवासी स्टेट की जो परिकल्पना है वो आगे चल करके आगे बढ़ती है। उसमें कार्तिक उराव आते हैं, फिर बाद में शिव सोरेन आते हैं, और बाद में अंततः झारखंड बन जाता है। लेकिन जिस विकास की अवधारणा को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है
कि आज सबसे ज्यादा समृद्ध इलाका प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पूरी दुनिया में नंबर एक आता है जर्मनी का बर्न एरिया, और उसके बाद में दूसरा इलाका दुनिया भर में पृथ्वी पर कोई है तो वो है झारखंड। और झारखंड की प्राकृतिक समृद्धता को किस तरह लूटा खसोटा जा रहा है, इसके खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई झारखंड का आदिवासी लड़ रहा है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के खास करके बस्तर एरिया का आदिवासी लड़ रहा है। ये दो राज्य पृथक राज्य बने हुए आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा संकट से ग्रस्त हैं। हमें थोड़ी सी उम्मीद है जो वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी उनसे कि वो आदिवासियों के पक्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अन्यथा तो इन स्टेट्स में भी आदिवासी बाहुल्य स्टेट्स में भी जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने आदिवासी की पक्षधरता नहीं की। जयपाल सिंह मुंडा हमें एक और बड़ी सीख देते हैं, और वो सीख ये कि वैसे तो 6 कुल सदस्य ट्राइबल मेंबर थे संविधान निर्मात्री सभा में, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर जयपाल सिंह मुंडा ही थे। वो उनकी उस मौजूदगी और हस्तक्षेप से ये निकलता है कि जब तक आदिवासी समाज में राजनीतिक नेतृत्व पैदा नहीं होगा तब तक आधुनिक लोकतंत्र में उस तबके के पक्ष में फैसले नहीं होंगे। दलितोद्धार की बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर का ही बार बार हम नाम क्यों लेते हैं, हम क्यों नहीं गांधी जी का लेते जिन्होंने हरिजन उद्धार की बात की, और शायद जितना अंबेडकर साहब बोले थे उससे कम नहीं बोले थे वो, लेकिन उनका बोल तक सीमित रह जाता है। उसको एक व्यवस्थित रूप देना, एक व्यावहारिक रूप देना, वो बाबा साहब अंबेडकर संविधान के तहत लाते हैं। संविधान बना देंगे तो पाबंद हो जाएंगी सरकारें कि दलित उत्थान करना है, और हुआ, और दलितों में एक पॉलिटिकल लीडर से भी सामने आई हमारे सामने। तो ये जो आदिवासी समाज में राजनीतिक नेतृत्व तो आज बिल्कुल नदारद है, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं है, जो कुछ पैदा हुए वे या तो रीजनलाइज कर दिए गए या मार्जिनलाइज कर दिए गए। पीए संगमा बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक शामिल कर लिया, स्पीकर तक पहुंचे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और जब वो राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे थे हमसे कुदरत ने उन्हें छीन लिया। अरविंद नेताम की बात करो, हमारे राजस्थान में किसी की बात करो, नाम किसका लूं मैं, कोई भी राष्ट्रीय स्तर फलक पर आदिवासी नेतृत्व नहीं उभरा है। जयपाल सिंह मुंडा ये सीख देते हैं जब तक आदिवासी नेतृत्व नहीं होगा, आदिवासी प्रतिनिधि आ रहे हैं, जितना रिजर्वेशन है उतने विधानमंडलों में और लोकसभा में आ रहे हैं, लेकिन वो वाणी किसकी बोल रहे हैं, वो वाणी उस पार्टी की बोल रही है जो उनको टिकट देती है। तो वो आदिवासी के प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी बाहुल्य एरिया से आदिवासी बाहुल्य मताधिकार ग्रहण करते हुए मत अपने पक्ष में लेते हुए आप आते हैं विधानमंडलों में और लोकसभा में, और वाणी अभा करके आप वाणी दूसरी बोलने लग जाते हैं। तो ये जो है हमको जयपाल सिंह मुंडा जी से ये सीखना चाहिए कि राज प्रजातंत्र में लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसके बिना उस समाज की, क्योंकि देखिए भारतीय समाज तो विविधताओं का समाज है, या तो बहुत सारी वर्ण जातियां धर्म के आधार पर इवन भौगोलिकता के आधार पर इवन धर्म से इतर संस्कृति के आधार पर भी बहुलताएं हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है। और अब तक पूरा अगर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इन इंडिया देखा जाए तो यही हो रहा है, जिस तबके का प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा फोर्सफुल रहा उसके पक्ष में फैसले होते रहते हैं। एक कौम है जो एक स्टेट में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं, बट एक कौम का भी नाम नहीं ले रहा हूं, बट एक कौम, ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि एक कौम ने एक स्टेट में 24 घंटे अपना दबाव इतना कायम किया, इतना बड़ा रैली करके कि उनको ओबीसी का दर्जा उस कौम को मिल गया। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है डेमोक्रेसी में, इसमें आदिवासी के लिए बार बार जयपाल सिंह मुंडा यही कह रहे थे, क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे भारत में, आप कुछ कह रहे थे रतनलाल जी, बताइए। बात उभर के आ गई, आपने कह दी बात को, अच्छा ठीक। तो
आज आदिवासी उनकी चिंताएं बहुत गहरी चिंताएं रही है, उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था कि आगे क्या होना चाहेगा। मैं वही बात कर रहा हूं, क्या आदिवासी सुरक्षित रहेगा? विकास के नाम पर जितना भी आपने आदिवासी इलाकों में दखल दी है, जंगलों में दखल दी है, आपने जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई हैं, बांध खास करके, खनन जो किया है, मैं दो ही बातें कह रहा हूं, नदी और खनन, मतलब बांध और खनन, इन्हीं दो क्षेत्रों को अगर ले लिया जाए तो जितना विस्थापन, हाँ, कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो शंका जयपाल सिंह मुंडा व्यक्त कर रहे थे कि नेतृत्व नहीं उभरेगा तब तक आदिवासियों की मुक्ति संभव नहीं होगी, दूसरा जयपाल सिंह मुंडा पे भी बहुत गंभीर काम नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि उस पर और ज्यादा शोध करने की जरूरत है। अम्बेडकर नामा इस मुहिम में लगा हुआ है सर, हमारे कुछ साथी लंदन में है, कुछ मटेरियल सब इकट्ठा कर रहे हैं, तो जैसे ही मटेरियल आएगा तो मैं आपको वो भेजूंगा, उसको किताब के रूप में देना है। जी 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 जी, मुझे बहुत बहुत उत्साहित हूं मैं और बहुत उम्मीद भी करता हूं अम्बेडकर नामा से कि आप इस ओर बहुत ज्यादा सीरियस है और सिंसियर है। मुझे आप तीसरी चौथी बार बुला रहे हैं, इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि आप दलित और आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो भी दलित वंचित मानवता है भारत की, उस सबकी चिंताएं आपके दिमाग में है, इवन जो आदि के आदि मानवता स्त्री के रूप में वो चिंता है, उनके प्रति भी चिंता आपकी है। तो जब तक हम देखो ये जो हैव्स और हैव नॉट्स का झंझट है सारा, तो अब आज अगर ये देखा जाए कि दो तिहाई से ज्यादा राष्ट्र नेशनल एसेट्स अगर हिंदुस्तान के केवल 10% घरानों, या हम तो कहेंगे अब दो ही घराने, उन दो एमएनसी घराने धनाढ्य सेठों के कब्जे में आ जाएगा तो शेष हिंदुस्तान का क्या होगा? तो आज चिंता हमारी शेष हिंदुस्तान की है। जयपाल सिंह मुंडा की चिंता थी आदिवासी की। देखो भारत, दो भारत को देखो ऐसा है, अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजिकली तो भारतीय समाज का 90% हिस्सा वर्ण से अवतरित जाति प्रणाली पर आधारित है, जिसमें आपके सारे के सारे वर्ण है, सारी सारी हजारों जातियां हैं। आदिवासी भारतीय जाति वर्णावतरित जाति प्रणाली का हिस्सा नहीं रहा, वो आपके चार वर्णों का हिस्सा नहीं रहा, वो शुरू से अलग थलग रहा है, और इसीलिए उसको मनुष्य के दर्जे से भी खारिज करके असुर दैत्य दानव राक्षस पता नहीं क्या क्या ब्रांडेड किया। और इसीलिए आप देखिए अंग्रेजों की हिम्मत थी, अगर एकजुट होता हिंदुस्तान अंग्रेजों तो आदिवासियों को ट्राइब एक्ट में क्यों शामिल करता? एक कम्युनिटी को शामिल कर लेना बहुत एक सोचने वाली बात है, गंभीर सोचने, और आज का नेतृत्व भी। और मैं आपको बताऊं, विडंबना तो ये है कि वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 का बना हुआ है, 1947 हिंदुस्तान आजाद होता था है, उसके बाद भी नहीं है, 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रेपील किया गया। इट मीन्स कि हिंदुस्तान आजाद होता है 1947 में, और भारत का आदिवासी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में था वो आजाद 1947 में ना होकर 1952 में आजाद होता है, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जगह हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लाया जाता है। ये चिंता वाजी। शुक्रिया सर, और कोई भी ऐसा मुद्दा हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, अम्बेडकर नामा मेरा नहीं हम सबका चैनल है, जितने मार्जिनलाइज्ड वंचित जमात के मुद्दे हैं वो सब इस फोरम पे हम लाते हैं। जब भी आपको लगे कि इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए आप मुझे फोन कीजिए, हम जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थे हरिराम साहब थे और विवाक बोलते हैं, खूब इनके ऊपर कई इनकी कृतियों पे पीएचडी हो रही है, हो चुकी है, लगातार लिखते हैं और बोलते हैं, वंचित जमात की आवाज को उठाते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। शुक्रिया सर, फिर आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले एपिसोड। आपने मुझे मौका दिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और नए साल की आपको सारी की सब सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ, चाहे आज 3 तारीख निकल गई है। जय।